अंडा करी खाना मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा करी रेसिपी, कम मेहनत, कम मसाले और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को बॉईल कर लेंगे और मैंने 8 अंडे लिए हैं और हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। और जब तक अंडे बॉईल होते हैं तो तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने 4 प्याज, टमाटर और मिर्च लहसुन लिया है और हम टमाटर और मिर्च लहसुन को मिक्सी जार में पीस लेंगे और उसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे। और ये देखिए अंडे को छिलकर ले लिया है मैंने और अब हम इसमें छोटे छोटे छेद कर लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चले जाए। सबके घरों में माचिस रहती है तो मैंने उसी का उपयोग किया है, तो मैं इसी से कर रही हूँ। और अब हम इसमें मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालकर लेंगे और अच्छे से सभी अंडों पर लगा लेंगे। और अब मैंने लिया एक पैन और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया और इनको हल्का फ्राई कर लेंगे हम अंडों को। और अंडों को हम गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे अच्छे से। और ये देखिए हल्के ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें ये जो तेल बचा है ना अंडों जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे उसको भी यूज़ करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा तेल और रखेंगे। और मैंने इसमें तड़के के लिए यूज़ किया है ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, एक दालचीनी ऐड कर रही हूँ। और इसके चटकने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे और हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। और अब हम इसमें जो हमने टमाटर लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर लेंगे और मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने मसालों में लिया है नमक अपने स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर इसे मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 5 या 10 मिनट तक ढक्कन लगा के पका लेंगे। और मसाला अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। और अंडों को हम मसालों के साथ 5 या 10 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद हरा धनिया कट करके इसके ऊपर से डाल लेंगे। और यकीन मानिए जब आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। और ये कम मसालों के साथ भी बनी है और कम ऑयल के साथ भी बनी है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।